दस में है, जो अपन ने पूर्व में भी पढ़ा था। हमारे आज के टॉपिक का नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये रचना व्यंग्य पर आधारित है जिसके लेखक हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इनकी जो रचना है ठिठुरता हुआ गणतंत्र उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात हिंदी साहित्य में व्यंग्य की जो शुरुआत हुई थी, व्यंग्य का मतलब किसी रचना को या अपनी बात को व्यंग्य के रूप में कहकर के या एक अलग भाव से प्रदर्शित करने, अपनी मन के जो विचार है उसको एक अलग तरीके से पेश करने या उस पर कटाक्ष करने की एक विशेष विधा है हिंदी साहित्य की, जिसको हम व्यंग्य बोल सकते हैं। मतलब किसी बात को कटाक्ष रूप में कहना, वो ही व्यंग्य है। तो ये प्रमुख व्यंग्यकार है हरिशंकर जी परसाई, और इनकी रचना भी ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जिसमें ये भी व्यंग्य पर आधारित है। हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो है वो 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1995। इनकी प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास से संबंधित रानी नागफनी की कहानी, तह की खोज, ज्वाला और जल, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ऐसे और भी है लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है। लेख संग्रह कौन कौन से हैं इनके, तब की बात और थी, प्रेमचंद के फटे जूते, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, वह सदाचार का ताबीज, ये इनके प्रमुख लेख संग्रह है, जिसमें उन्होंने उस समय या उस दौरान की जो विचारधाराएं थी, जो समस्याएं थी, उस समस्याओं को उनको अपने भावों के द्वारा प्रस्तुत किया है। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना जो टॉपिक है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये जो रचना है परसाई जी ने व्यंग्य के रूप में की, व्यंग्य का मतलब कटाक्ष के रूप में। वर्तमान युग में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारी, उसके ऊपर कटाक्ष किया है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया है, उस पर कटाक्ष किया है और बतलाया है कि इतनी आजादी के आज 60वें दशक में या 60 वर्ष हो गए हैं, वैसे तो ऊपर ही हो गए लेकिन हम 60वां दशक माने हैं, लेकिन अभी तक भी हमें लोकतांत्रिक व्यवस्था कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं दी। कभी यहां बताता है कि 15 अगस्त 26 जनवरी ये हमारे राष्ट्रीय पर्व है, जिसमें अनेक झांकियां दिल्ली के लाल किले से और भी क्षेत्रों से निकलती है, जिसमें देश की प्रकृति के बारे में बतलाया है। लेकिन कवि का मानना है कि ये सारी चीजें, ये सारी झांकियां झूठी है, गलत है। कवि खुद कहता है अपने इस पाठ के अंदर, जब आप पढ़ोगे आपके पास किताब होगी, उसमें कहता है कवि कि मैं 4 साल तक दिल्ली की मुख्य परेड में उन झांकियों में गया,
लेकिन अब मेरी जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि गणतंत्र जो है वो क्या हो रहा है, ठिठुर रहा है, क्योंकि वहां पर झूठा दिखावा है जो जनता को, आप जनता को दिखलाना चाहिए था कि हमारा देश क्या प्रगति कर रहा है, वो ना दिखा करके बल्कि उसको बड़ा चढ़ा करके, कहने का मतलब मूल समस्याओं को ना दिखला करके बड़ा चढ़ा करके दिखलाया जाता है, जो कि गरीब के समझ से वो परे है, अलग है। आपने देखा होगा, आपने भी मेरे हिसाब से जानकारी देखी होगी, दिल्ली की परेड आती है, दिल्ली की परेड के अंदर आपको तरह तरीके से झांकियों के द्वारा जो प्रकृति हुई है उसके बारे में बताया जाता है, या स्टेट वाइज बिहार की झांकी है, मध्य प्रदेश की झांकी है, तो कभी वहां पर ये कह रहा है कि जब बिहार की झांकी दिखाई जा रही है तो उसमें आप प्रकृति को ना दिखा करके चारे घोटाले की जो तस्वीर है वो पेश की जाए। चारा घोटाला आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कभी भी आपको यही कहना चाहता हूँ कि आजादी के इतने वर्ष के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम नहीं हो पाई, आज बतलाया जा रहा है कि समाजवाद आ रहा है, लेकिन समाजवाद कभी कह रहा है कि आ कहां से रहा, कहां है समाजवाद, वो दिखलाई क्यों नहीं दे रहा। आज हर व्यक्ति जो मूलभूत आवश्यकताओं से दूर है वो किस कारण से, क्या उसकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अब तक हल क्यों नहीं किया गया, क्यों आज भी हमारे देश के अंदर हजारों युवा बेरोजगार है, क्यों आज भी युवा जो है वो अपनी योग्यता के अनुसार उनको कार्य नहीं मिल पा रहे। लाखों करोड़ों व्यक्ति रोजाना भूखे सो जाते हैं या भूख से मर जाते हैं, तो कभी यहां पर यह कहना चाहता है क्या यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या यही समाजवाद है। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, वो कभी किसी विकास की बात नहीं करती, केवल और केवल विकास के खोखले वादे करती। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसका कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में भी कवि ने बतलाया। कवि अपने भावों को व्यंग्य के द्वारा बताता है कि आज हम देख रहे हैं चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लूट खसोट मची हुई है, नेता लोग स्वयं अपने घर भर रहे हैं, उनको आम जनता से, आम व्यक्ति से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल अपना ही विकास कर रहे हैं, जनता का विकास केवल कागजों में चल रहा है। तो कवि इस बात से दुखी है कि मैं जिस समाज को देख रहा हूं वो समाज आदर्शवाद की जा रहा, आदर्शवाद की तरफ जा रहा है, या भौतिकतावाद की तरफ जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। जिस प्रकार से आजादी के इतने सालों के बाद भी एक हर व्यक्ति को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसका कार्य नहीं हो पा रहा है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका दोनों भ्रष्ट बनी हुई है, नेता लोग भ्रष्ट बने हुए हैं, हम उस देश की अच्छी कल्पना कैसे कर सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि हम आज भी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आ पाए। दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। समाजवाद की बात कब होती है,
स्रोत की बातें ज्यादा होती है। क्या यही कल्पना की जा रही है वर्तमान में? और कभी यह भी बतलाना चाह रहा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का जो नुकसान हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इन राजनेताओं का, बड़े बड़े व्यापारियों का, सूदखोरों का हाथ है। और साथ में परसाई जी हमें आग्रह भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जीवन दुर्बल हो जाए, जीवन को जीना मुश्किल हो जाए और कभी बतला रहा है कि मैं ऐसे समाज की कल्पना चाहता हूं जिसमें हर आंगन में खुशियां हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर व्यक्ति व्यवस्थापिका है या कार्यपालिका है उसके जो सदस्य हैं उसकी जो अंग है वो तो सही ढंग से कार्य करें, हर व्यक्ति को न्याय मिले। मैं ऐसी कल्पना चाहता हूं, मैं ऐसी कल्पना कभी नहीं चाहता कि जिस देश के अंदर नेता लोग बड़े बड़े घोटाले करें, आम आदमी को इंसान नहीं, इंसाफ नहीं मिले और लोग दर बदर भटकते रहे, मैं ऐसे समाज की कल्पना नहीं करना चाहता। यही सब कुछ बतलाया है इस रचना के अंदर कि आज भी हमारा जो गणतंत्र है वो ठिठुर रहा है और इस ठिठुरते हुए गणतंत्र की, इस ठिठुरते हुए गणतंत्र या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का विकास असंभव सा स्पष्ट दिखलाई दे रहा है। कवि कह रहा है कि वही समाज उन्नतिशील है या प्रगतिशील है जिस समाज में एक अच्छा नेता लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक अच्छा कर्मचारी है और वो अपना अच्छा सहयोग भी करती है, अपना 100% भी करती है, अपना अपनी कर्म शक्ति का सही ढंग से उपयोग करके वह अच्छी दिशा की और अपने विचारों के द्वारा देश को एक अच्छे मार्ग पर लेके जा सकता है। वह समाज या वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता जिस देश में नेता लोग संसद के अंदर बहस करें, पर्चे फाड़े या संसद की जो संप्रभुत्व है उसका जो अस्तित्व है उसका जो सम्मान है उसको भंग करें। आप तो जानते ही हो वर्तमान में यही हो रहा है, चाहे कैसी भी सरकारें हैं वो देश का विकास नहीं चाहती, वो केवल अपना विकास चाहती। तो परसाई जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। लोग देश का ऐसा विकास चाहता हूं जिस देश में सम्मान की मामला हो, संवैधानिक अधिकार हो और हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, ये बतलाया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब तक जो समझाया है, बहुत ही सिंपल है, गद्यांश भाग है, आपके पास बुक है उसमें आप पढ़ना, आपको बहुत अच्छा समझ में आए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि ये सब समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपको समझाएं। अब आगे चलते हैं इस पार्ट के क्वेश्चन की और जो आपके आएगा तब भी लोगों को पिक करें
और उसमें नोट करें आज का जो क्वेश्चन है उसे लिखें। बहुत सिंपल है ये बात, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट भाषा लिखी है प्रोफेसर जी ने और मैंने आपको समझा भी दिया है। देखिए इसमें प्रश्न है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना में परसाई जी का व्यंग्य किस पर है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र रचना में परसाई जी का व्यंग्य किस पर है, अथवा करके चुनौत है, हरिशंकर परसाई को व्यंग्यात्मक श्रेणी का कवि कहने के पीछे क्या कारण है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र वह लेखक ने किन लोगों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है, व्यंग्यात्मक किन लोगों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। आगे बात समझ में, इसलिए क्वेश्चन आपने कैसा ही क्वेश्चन आ जाए उसकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, आपको क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। देखिए इसमें हरिशंकर प्रसाई हिंदी के ऐसे लेखक थे जिन्होंने गद्य को धारदार धारदार बनाकर व्यंग्य को स्वतंत्र एवं गंभीर विधा के रूप में स्थापित किया है। प्रसाई ने निम्न वर्गीय जनता के पक्ष में लिखा तथा उसी की तरह अपना जीवन भी जिया। इनकी लेखनी में कबीर की अखरता और प्रखरता भी है तो तुलसी जैसा सामाजिक बोध भी है। लिख लिया, आगे लिखें। ठिठुरता हुआ गणतंत्र परसाई जी की भारतीय राजनीति की विसंगतियों पर लिखा गया एक व्यंग्यपूर्ण रचना है। वे कहते हैं हमारे राजनेता व राजनीतिक दल परस्पर लड़ते रहते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं और विकास का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। इसलिए देश का विकास न होकर उसका विनाश होता है। देखो इन लाइनों में लिखा हुआ है कि हमारे देश के अंदर राजनेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई भी योजना नहीं आती है तो उसमें कमियां निकाली जाती है, कोई भी प्रोजेक्ट जो नया आता है तो उसमें कमियां निकालते हैं। पार्टी जो गद्दी पर आसीन है, सत्ता में है,
वो उसकी अच्छाइयाँ बताती है और सामने वाली जो विपक्ष की जो पार्टी है वो उसके बारे में गलत धारणाएं बताती है। तो विकास का जो श्रेय है ये खुद निर्णय करते हैं और उसी चीज को लेकर के झगड़ते रहते हैं जिससे देश का विकास न होकर के विनाश हो जाता है। बहुत सारे मुद्दे हैं आपको पता है, जैसे अभी वर्तमान में आपको पता है चला था एक राफाल जो एक युद्धक विमान है उसको लेकर के बहुत चर्चा हुई थी संसद के अंदर। अभी वर्तमान में किसान फसल बीमा योजना के बारे में काफी हलचल हो रही है, ये चीजें आप देख रहे हैं अभी वर्तमान में। तो कहने का मतलब ये है कि इस देश में केवल राजनेता जो लोग हैं वो विकास की बात ना कर करके केवल अपना श्रेय लेना चाहते हैं और उस श्रेय के चक्कर में पूरा का पूरा विनाश हो रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, ठिठुरता हुआ राजतंत्र, ठिठुरता हुआ राजतंत्र। प्रस्तुत पाठ में परसाई जी ने देश के राजतंत्र की धड़कनों को ठिठुरता हुआ बतलाया। वे बताते हैं कि हमारे यहां राजतंत्र दूसरों के भरोसे चलता है। क्या कह रहे हैं कि हमारे यहां पर जो राजतंत्र है वो दूसरों के भरोसे चलता है। और सही है ये बात, आपने देखा होगा कि हमारे नेता लोग जो है वो कभी भी सही ढंग से निर्णय नहीं ले पाते। जो निर्णय तुरंत लिया जाता है और लेना चाहिए उसको ले नहीं पाते, वो दूसरों के भरोसे है, दूसरों पर डिपेंड है। आगे लिखे उसकी बात को दूसरे देश संभाले हुए हैं, यहां की अर्थव्यवस्था किसी सहायता क्लब द्वारा चलती है, यहां की अर्थव्यवस्था किसी सहायता क्लब द्वारा। अब मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, आपको पता है अंबानी अडानी ये जो ग्रुप है वो चला रहे हैं, है ना। और हम आजाद होते हुए भी दूसरे देशों के गुलाम बने, इस कारण हम आर्थिक रूप से प्रगति नहीं कर रहे। आगे समझ में नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट जो पॉइंट है भाषणों से विकास की कल्पना, भाषणों से विकास की कल्पना। परसाई जी ने बताया है कि हमारा देश के राजनेता अफसर कर्मचारी केवल भाषणों द्वारा विकास करना चाहते हैं, जो कि केवल मिथक कल्पना है, जो कि केवल क्या है मिथक, जो कि केवल मिथक कल्पना है, झूठी कल्पना। आपने देखा है ऐसे हो रहा है, चुनावी दौर आता है बात देते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा विकास करेंगे ये योजनाएं बनाएंगे ऐसी सड़कों का विकास कर देंगे घर घर तक बिजली पहुंचाएंगे घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन वो केवल भाषणों में ही उनका विकास धरातल पर उसका विकास नहीं हो पा, केवल और केवल कागजों में ही विकास की कल्पना की जाती है। आगे लिखे नेता अपने भाषणों द्वारा जनता को धूर्त बनाकर अपने पेट को भरते हैं और अपने ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, केवल और केवल जनता को मूर्ख बना रहे हैं और मूर्ख बना करके अपनी जो जिंदगी है वो एकदम ऐशो आराम की कर रहे हैं और जी रहे हैं।
देश की जो मूल समस्याएं हैं और जो हमारे विकास में रोड़ा बनी हुई है, बाधा बनी हुई है, उन समस्याओं पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता और केवल वादों के द्वारा उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। इस प्रकार हमारे देश के नेता केवल भाषणों में ही विकास की कल्पना करते हैं। आइए समझ में आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, विकास का झूठा प्रदर्शन। विकास का झूठा प्रदर्शन, परसाई जी ने प्रस्तुत पाठ में बताया है कि हमारे शब्द में हमारे राष्ट्र में विकास का झूठा प्रदर्शन किया जाता है। जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस में राजपथ पर प्रत्येक राज्य के विकास की प्रदर्शनी निकाली जाती है और वह प्रदर्शनी यह बतलाती है कि हमारे राज्यों में कितना विकास हुआ है। झांकियां निकलती है ना अलग अलग स्टेट वाइज, आपने देखी होगी, और उन झांकियों के अंदर हर स्टेट का जो डेवलपमेंट है उसको दिखलाया जाता है। डेवलपमेंट तो क्या है, वो झूठा प्रदर्शन है। निकाली जाती है और वह प्रदर्शनी यह बतलाती है कि हमारे राज्यों में कितना विकास हुआ है, जबकि परसाई जी यह कहते हैं कि इन प्रदर्शनियों की जगह यह क्यों नहीं बताया जाता है कि उन राज्यों में कितनी हिंसा हुई, कितना भ्रष्टाचार हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात कही है परसाई जी ने कि ये जो झूठी प्रदर्शनियां बताई जा रही है ना, उससे कोई मतलब नहीं। आप वो बताओ ना कि जिस भी राज्य की, जिस भी स्टेट की प्रदर्शनी हुई उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितना अत्याचार हुआ, कितनी हिंसा हुई, ये चीजें दिखाई जा रही थी, है ना। आगे देखें, और कितने लोगों को मरवा दिया गया। इस प्रकार परसाई जी ने देश के लोकतंत्र को खोखला बतलाया है। देश के लोकतंत्र को क्या बतलाया है, खोखला बतलाया है। कभी यही तो कह रहा है कि क्यों झूठी प्रदर्शनियां की जा रही है, आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम ऐसे झूठे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है और वह गर्त की ओर बढ़ रहा है। हमें वास्तविकता को दिखाना चाहिए और विकास करना ही है तो हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे राष्ट्र व राष्ट्र जो दूसरे स्टेट है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था, उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में ऐसे लोग आए आगे जो वास्तव में विकास करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, अपनी श्रेष्ठता को साबित करना चाहते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आए तो वास्तव में विकास संभव हो सकता है। जब झूठे नेता, झूठी न्यायपालिका, झूठी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका में ऐसे व्यक्ति आते रहेंगे तो ना तो देश का विकास होगा, ना ही आम जनता। केवल और केवल विकास जो है वो उन नेताओं का होगा जो इन संस्थाओं को अपने हिसाबों पर चला रहे हैं। नेक्स्ट लिखे हैं पॉइंट, नौकरशाही पर आरोप। नेक्स्ट पॉइंट है नौकरशाही पर आरोप।
नौकर साहब पर आरोप, नौकर साहिब पर आरोप। इसमें लिखें परसाई जी नौकर साहिब पर भी आरोप लगाया है और बतलाया है कि नौकर साहिब के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी अपने कर्तव्य से विमुख है और भ्रष्ट बने हुए किसी भी कार्य को सही ढंग से पूरा नहीं करते। एक अफसर दूसरे अफसर को कार्य सौंप देता है और दूसरा अफसर बाबू इस प्रकार का विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार वह विकास का कार्य अवरुद्ध हो जाता है, हम पीछे की ओर चले जाते हैं। इस समस्या में प्रमुख हाथ नौकरशाही का। देखिए यहाँ पर परसाई जी ने नौकरशाही पर आरोप लगाया है कि हमारी नौकरशाही के अंदर जो एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को कार्य सौंप, एक कर्मचारी दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, तो ये काम आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। लेकिन जो काम करवाने के लिए आई है, जो जनता आम व्यक्ति जो आया है, उसका काम जो छोटा सा जो काम है वो कहीं उस काम को करने में कहीं समय लगता है और वो करते हैं। तो ये जो नौकरशाही है, इस नौकरशाही में जब तक भ्रष्ट व्यक्ति रहेंगे, कलंकित व्यक्ति रहेंगे, कर्म से विमुख वाले व्यक्ति रहेंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और ये नौकरशाही ऐसे ही मध्य प्रश्न पर अग्रसर होती रहेगी। नेक्स्ट एवं अंतिम पॉइंट, नेताओं के झूठे वादे। प्रस्तुत पाठ में बताया है कि चुनावी मौसम के दौरान नेता झूठे वादे करते और कहते हैं कि हम विकास करेंगे, हम गरीबी दूर करेंगे, रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, हम समाजवाद लाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। वादा करते हैं हम महंगाई को दूर करेंगे, हम गरीबों को घर देंगे, गरीबों के घरों तक बिजली को लेकर आएंगे, उनको चूल्हा उपलब्ध करवाएंगे, या जो कुछ भी योजना है पेंशन शुरू करवाएंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं। वो केवल कागजों में ही होता है, हकीकत और धरातल पर किसी भी स्तर का कार्य नहीं हो पाता। तो कवि ने, परसाई जी ने यहाँ पर यही तो नहीं भी किया है कि हम समाजवाद लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नेता लोग जनता के साथ झूठे वादे करते हैं और जनता को धोखा देते हैं और देश को गर्त में धकेल देते हैं। गर्त का मतलब गड्ढे में, गर्त गर्त का मतलब होता है गड्ढा। मैं धकेल देते हैं। आगे लिखे इसमें परसाई जी कहते हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश में ग्रह युद्ध के बादल मंडराने लगे और लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाए, देश की व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो जाए, देश का अस्तित्व संकट में आ जाए। आगे समझ में, आगे लिखे निष्कर्ष रूप में, इस प्रकार प्रसाई जी
प्रस्तुत पाठ के द्वारा देश की राजनीतिक विसंगतियों के बारे में बतलाते हैं, साथ ही व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर भी आरोप लगाते हैं। अगर इनमें सुधार नहीं हुआ तो हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। और हर वर्ष ऐसी ही घोषणाएं होती रहेगी, लेकिन समाजवाद कहीं भी स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं दी। देख लिया आपने, तो ये यहां तक क्वेश्चन था, ये अपना क्वेश्चन समाप्त हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन लिखवाया गया है। बड़े ही स्पष्ट रूप से सरल शब्दों में मैंने लिखवाने की कोशिश की है। जब आप उसको वापस दोबारा पढ़ोगे तो मेरा अनुमान है कि आपको समझ में आ जाएगा। इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने समाज को, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ताकि ये जो वर्तमान में जो बीमारी फैली हुई है, जो हमारे ऊपर संकट आया हुआ है, उस संकट से आप उनको बचा सके। क्योंकि केवल हमारे पास एक ही हथियार है और वो हथियार है हमारी सावधानी, हमारे द्वारा मास्क लगाया जाना, हमारे द्वारा भीड़ से अलग रहना, वो ही हमें सुरक्षित रख सके। तो मुझे आपसे उम्मीद है कि जो सब बोले हैं मैंने, आप उस पर कायम रहेंगे और अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।